राइट करोगे, इक्वेशन में राइट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर विच गिव्स 90 व्हेन एडेड टू 65। फाइंड द नंबर, वो नंबर आपने फाइंड करना है विच गिव्स, आपने को आंसर क्या दे 90 कब, वन एड व्हेन एडेड टू 65, जब आप उसमें क्या करें 65 ऐड करें। तो पहले करेंगे लेट नंबर, कौन सा एक्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, इस नंबर में किसमें एक्स में क्या ऐड करें 65, तो अपने को आंसर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। जब अपने जो अपने नंबर ऐड किया है एक्स, उसमें 65 ऐड करें तो आपको आंसर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 4.1 वाली विदाउट एक्स वाला, चले जाओ एक्स इक्वल क्या जाएगा 90 प्लस के 65 है, इधर जाए क्या हो गए माइनस के 65, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 में 65 गए 25। तो जो आपने नंबर लेट किया था वो क्या था 25, मींस 25 में 65 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 90। ओके, जो आपने नंबर लेट किया था वो नंबर क्या था 25, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 25, आपका आंसर आ जाएगा 25। इस तरह आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, पहले लेट करना है, फिर 40 को क्वेश्चन राइट करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद सिंपलीफाई करना है। राइट कोई नहीं करेगा अभी, साथ साथ में किसी भी बच्चे ने राइट नहीं करना, बाद में आपके कॉन्टेंट क्लास में जाएंगे, सिर्फ आपने समझ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के बाद आप जब इसको करो तो पता नहीं चलेगा जो एकदम कहां से आई है। सेकंड, सेवन मोर देन फोर टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 43, कोई नंबर का फोर टाइम से भी सेवन ज्यादा क्या होना चाहिए 43 होना चाहिए। लेट द नंबर क्या देख करके अपने एक्स, फोर टाइम्स ऑफ द नंबर फोर टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, एक्स का फोर टाइम क्या हो गया 4x, सेवन मोर देन सेवन, तो नंबर क्या बन जाएगा 4x प्लस 7, कितना आना चाहिए 43 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4x प्लस 7 की वैल्यू क्या आना चाहिए 43 आनी चाहिए। तो सिंपलीफाई करना इसको, प्लस का 7 है इधर किसको जाएगा माइनस का, 4x इक्वल क्या आ गया 43 माइनस 7, तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 43 में से 7 गए 36। अब देखो 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 36 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 36, x की वैल्यू क्या आ गई 9, अपॉन में 1 है तो 1 से अपने किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आपका आंसर आता है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 9 आंसर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 4 देन इंक्रीज बाय 6 गिव्स 10, फाइंड द नंबर एंड आल्सो वेरीफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले तो नंबर लेट करते हैं, लेट द नंबर x
when a number divided by 4, number को अपने किससे divide करना है? 4 से. Divide by 4, number का जाएगा x upon 4. 4 से divide कर दिया means x upon 4 and increase y 6. अब इसको increase करें 6 से, मतलब 6 इसमें अपने क्या करें? Add करते हैं. According to person, according to person just element, x plus 4 में क्या करते हैं? 6 increase करने बढ़ा रहे हैं, इसमें 6 अपने और बढ़ा दिया, तो आपका answer कितना आ रहा है? 10. तो answer क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए. Okay, equation बन गया. अब आपके पास plus का 6 है, तो जाके किसका हो जाएगा? Minus का. x upon 4 equal क्या आ गया? 10 minus 6. x upon 4, 10 में से 6 गए 4. अब 4 क्या है? Upon में means divide में, second side में किसमें होगा? Correct, multiply में. x की value आ जाएगी 4. 4 divide में था, तो जाके किसमें होगा? Multiply में. x की value आ गई 4, 4 जा 16. So required नंबर इज क्या आ गया आपके पास? 16. तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डिफरेंस ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ ए नंबर इज 3. किसी नंबर का हाफ का एंड वन थर्ड का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. फॉर द नंबर, लेट द नंबर x हाफ ऑफ ए नंबर, और किसी नंबर का हाफ करते हैं, अपन क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं. हाफ ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? x अपॉन 2. एंड वन थर्ड मींस उसका थर्ड पार्ट ऑफ ए नंबर क्या देगा? x अपॉन 3. नंबर का हाफ क्या हो गया? x अपॉन 2. एंड नंबर का वन थर्ड क्या हो गया? x अपॉन 3. अब वो कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू पर्सन्स according to person application क्या बन जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस x upon 2 डिफरेंस का मींस सबट्रैक्ट x upon 3. आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए. और ऐसे में लेके सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि इसके साथ vx है और इसके साथ vx है, डायरेक्ट उधर जा नहीं सकता, अपने क्या लेंगे? ऐसे लेंगे. 2 और 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 6. 2 और 3 का आंसर क्या आ गया? 6. 6 में 2 का डिवाइड किया 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 6 में 3 का डिवाइड किया 2, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x जा 2x इक्वल क्या है? 3. 3x में से 2x गए, क्या बच गया? 1x मींस x अपॉन 6 इक्वल क्या है? 3. और 6 कहां से हो रहा है? डिवाइड में. इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 6. 3 6 जा 18. आंसर आ जाएगा आपके पास. सो रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा? 18. ओके. और इसमें उसने बोला था वेरीफाई द, वो थर्ड क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई द आंसर. चलो इसी में मैं बता देता हूं आपको. इसी के आंसर को वेरीफाई करना तो क्या करते हैं? मान लो अपने इसी को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है. नंबर कौन सा हो गया आपके पास? वेरीफाई नंबर क्या हो गया? 18 हो गया. कौन सा नंबर का हाफ? 18 का हाफ क्या हो गया? 9. और 18 का वन थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 6. इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 और 6 में डिफरेंस क्या है? 3. और आपके पास में क्या दिया था? 3.
3 means 9 minus 6 equal क्या आ रहा है 3 जो आपके क्वेश्चन में गिवन था वेरीफाई हो रहा है मींस आपका नंबर राइट है इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में भी आप वेरीफाई कर सकते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 The sum of three consecutive whole numbers is 39. सबसे फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए whole numbers होते क्या हैं? सबसे small whole number के साथ क्या होता है? Zero. One, two, three, four, five ये चलते रहते हैं अपने whole numbers. मीन सबसे small number whole number कहाँ से स्टार्ट होता है? Zero. फिर एक बार है consecutive. Consecutive का मीन होता है continue. जैसे 0, 1, 2, 3 नंबर हो गए 5, 6, 7 3 नंबर का पेयर हो गया 10, 11, 12 3 नंबर का पेयर हो गया मींस आपने ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं कंटिन्यू लेने हैं जिनका सम क्या आ जाए 39 आ जाए आपने ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जिनका सम क्या हो 39 हो करते हैं इस क्वेश्चन को लेट The three consecutive numbers are कौन सा नहीं पहले लेते हैं अपने x अब देखो अपने 5 6 7 ले रहे हैं तो 5 में अपने क्या ऐड किया 1 ऐड किया तो 6 बन गया ना तो सेकंड क्या आ जाएगा x plus 1 फाइव में क्या ऐड करेंगे सेवन आ जाएगा टू तो थर्ड नंबर कौन सा जाएगा एक्स प्लस टू मीन्स इसमें टू ऐड किया है तो फर्स्ट नंबर हो गया एक्स सेकंड वन ऐड किया एक्स प्लस वन थर्ड टू ऐड किया एक्स प्लस टू तो ये आपके क्या हो गए थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए कौन से एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू अब वो क्या कह रहा है इन तीनों का सम क्या आना चाहिए 39 अकॉर्डिंग Two quotient. इन तीनों का सम किसका x plus one का plus x plus two का सम क्या आना चाहिए 39 आना चाहिए. बढ़ गए क्वेश्चन. अब x वाले एक साथ ऐड कर दो. Without x वाले एक साथ ऐड कर दो. X कितने आ गए? One x. X और one x. 3x प्लस विदाउट x वाले 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए इक्वल क्या आ गया 39 अब इस 3 को विदाउट जो x है उसको तो भेज देंगे तो 3x इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 39 माइनस 3 प्लस था सेकंड साइड जाके क्या हो गया माइनस तो 3x इक्वल क्या बच जाएगा 39 माइनस 3 क्या बच गया 36 अब x इक्वल क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 36 ऊपर 3 3 बचा 3 3 2 आ गया 36 x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 अब फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया 12 सेकंड कौन सा आ गया 12 प्लस 1 13 थर्ड कौन सा आ गया 12 प्लस 2 14 सो रिक्वायर्ड 3 consecutive numbers are क्यों क्या जगह 12 12 plus 1 12 plus 2 means 12 13 और 14 अब इनका सम करके देख रहे हो 39 ही आएगा तो ये आपके आंसर हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सनी प्रेजेंट एज इज 3 इयर्स लेस देन दैट आर वंशज प्रेजेंट एज वंशज एज इज 18 इयर्स व्हाट इज द हनीज प्रेजेंट एज इफ ही इज 3 इयर यंगर देन सनी
देखो 3% आ गए इसमें, सनी आ गया, वंस आ गई एंड हनी आ गया, और तीनों के अंदर वो कंडीशन दे रहे हैं तो अपने कंडीशन ही फॉलो करने हैं। Sun is present as is 3 years less than of Vansa's present age. और Vansa के present age given है। Question number 6. Vansa present age कितनी है? 8 years. Then सनी अर्जेंट एज क्या है इसकी? वो बोल रहे 3 years less than, means उससे 3 years कम में इसके एज ने, तो इसकी क्या होगी 18 माइनस 3 इतनी 15 year। वंशा की 18 गिवन थी तो सनी की कितनी होगी? वंशा से 3 years less है, कम में, तो 3 कम कर दिया, क्या गई 15 years। अब आ गई What is Honey's age if he is 3 years younger than Sunny? Hari की age क्या होनी चाहिए? वो Sunny से क्या है? 3 years younger, means उससे छोटा है। So Honey present age क्या जाएगी? Sunny की क्या है? 15। कितना छोटा है उससे? जंग कितने है? 3 years, तो 15 minus 3 कितने आ गए? 12 years आ गए। जे आपका आंसर है। इसमें आपको लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने वंशा के एज क्या थी? गिवन थी। गिवन नहीं होती फिर अपन एक्स लेट करते हैं। इसमें उसने गिवन दे दी तो अपने एक्स लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो हनी की एज पूछिए, हनी की एज क्या जाएगी? 12। 7 The perimeter of a rectangular field is 190 meter. कौन सा पार्क है? रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है, उसका पेरीमीटर गिवन है कितना है? 190। इफ इट्स ब्रेथ इज 5 मीटर लेस देन द इट्स लेंथ, लेंथ से उसकी ब्रेथ क्या है? 5 मीटर लेस है, मींस कम है। फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी है। अब इसमें गिवन क्या नहीं है? लेंथ गिवन नहीं है ना, तो आप लेंथ क्या करोगे? लेंथ लेंथ करोगे, लेंथ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या कर लिया आपने? एक्स मीटर। लेंथ आपने लेंथ कर ली, एक्स मीटर, तो ब्रिथ कितनी हो जाएगी आप इसकी? ब्रिथ कितनी हो गई? वो बोल रहे हैं ब्रिथ इज 5 मीटर लेस देन लेंथ, लेंथ से क्या है? 5 मीटर कम है। लेंथ क्या आपकी? एक्स, इससे 5 कम करनी है, एक्स माइनस 5। ओके, तो ब्रिथ क्या हो गया आपके पास? एक्स माइनस 5 मीटर। अब रेक्टेंगुलर पार्ट का पैरामीटर क्या आता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट या फिर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आता है रेक्टेंगुलर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको पैरामीटर गिवन है कितना? 2 इंटू एल प्लस बी कितना गिवन है? 190 पैरामीटर गिवन है ना, 190। तो अब इसमें आप एल एंड बी की वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है? लेंथ कितनी है? एक्स प्लस बी ब्रेथ कितनी है? एक्स माइनस 5 इक्वल क्या है? 190।
मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में x और x कितने हो गए 2x minus 5 इक्वल क्या आ गया 190 अपॉन 2 बाहर ब्रैकेट से जो बाहर को था उधर डिवाइड में चला गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 190 को 2 से डिवाइड करेंगे 95 अब 2x minus 5 इक्वल क्या 95 तो 2x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा 95 प्लस 5 कितने हो गए 100 तो 2x की वैल्यू आ गई 100 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 अपॉन 2 2 बचा 2 52 जा 100 x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 मीटर ओके मींस x क्या था आपके पास लेंथ सो लेंथ क्या होगी 50 मीटर एंड ब्रेथ क्या जाएगी x माइनस 5 था मींस 50 माइनस 5 कितना 45 मीटर तो आपके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी दोनों आ गए लेंथ आ गई 50 मीटर ब्रेथ आ गई 45 मीटर ये आपके क्या आ गए आंसर आ गए ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है नंबर अब इसके मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा एन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 20 फ्रॉम सेकंड एंगल एंड स्मॉलर देन थर्ड एंगल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल्स आपको पता है ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं थ्री एंगल होते हैं वो कह रहे हैं एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर 20 फ्रॉम सेकंड एंगल से क्या है 20 ग्रेटर एंड स्मॉलर देन थर्ड एंगल और थर्ड एंगल से क्या है 20 स्मॉल है देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स तो थ्री एंगल्स की आपने क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है लेट दा अब तो कौन सा एंगल लेट करें फर्स्ट करें सेकंड करें या थर्ड करें बताओ इसमें लेट कौन सा होगा फर्स्ट एंगल होगा सेकंड एंगल होगा थर्ड एंगल होगा थर्ड एंगल होगा तो सबसे लास्ट में क्या है थर्ड एंगल ए एंगल इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेकंड एंगल से वो 20 ग्रेटर है और जो सेकंड है वो क्या है स्मॉलर देन थर्ड एंगल वो उससे क्या है 20 डिग्री स्मॉल है थर्ड एंगल आपने कौन सा लेट कर दिया एक्स तो सेकंड एंगल कौन सा हो जाएगा थर्ड से सेकंड क्या है 20 स्मॉल है x माइनस 20 डिग्री तो फर्स्ट एंगल कौन सा आ जाएगा अब सेकंड से अपने सेकंड एंगल लेते करते हैं सेकंड x हो गया तो थर्ड क्या हो जाएगा 20 लेस उसे तो 20 लेस हो गया फर्स्ट क्या है उसके ग्रेटर देन 20 है फर्स्ट का जगह से x प्लस 20 सेकंड एंगल से फर्स्ट एंगल वो 20 ग्रेटर है थर्ड एंगल 20 लेस देन है तो अब आपको पता है ट्रायंगल में थ्री एंगल होते हैं थ्री एंगल आपके पास आ गए थ्री एंगल का सम क्या होता है 190 वी नो that sum of
triangle in a triangle. कितना आता है 180. इन तीनों का क्या करो, सम कर दो. फर्स्ट क्या था x plus 20, सेकंड क्या है x, थर्ड क्या है x minus 20. मींस ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. इन तीनों का सम मींस हमने प्लस कर दिए, इसका सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए. अब x वाले एक साथ विदाउट x वाले एक साथ, x और x, 2x और 1x कितने हो गए 3x, प्लस का 20 माइनस का 20, 20 में से 20 गए 0, इक्वल क्या है 180 डिग्री. x इक्वल क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन मल्टीप्लाई था इधर आ गए डिवाइड, 3 6 18, 0 7 में आ जाएगी 60 डिग्री. x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 डिग्री. नाउ इसके बाद करने हैं हमें, नाउ रिक्वायर्ड एंगल, एंगल साथ क्या आ जाएगी सेकंड कोस हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, थर्ड कोस आ जाएगा 20 लेस देन है 60 माइनस 20 40 डिग्री, एंड थर्ड कौन सा हो जाएगा फर्स्ट x plus 20 है 60 plus 20, 60 20 ऐड किए तो क्या आ गया 80, 60 40 एंड 80 डिग्री आपके आंसर आ जाएगा. ओके इसके साथ आपके जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फोर्थ चैप्टर भी आपके इसके साथ कंप्लीट हो रहा है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.